हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या किया, पहले लास्ट लेक्चर का रिकॉल कर लेते हैं, फिर वी विल मूव टूवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में फर्स्ट हम लोग ने डेफिनेशन दिया था कम्युनिकेशन का बारे में। ठीक है, कम्युनिकेशन नंबर सेकेंड में हम लोग ने क्या दिया था, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बोला था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने नंबर थ्री में क्या किया था, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जाना था। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम लोगों का एलिमेंट्स के बाद हम लोगों का बेसिक जो भी हम लोगों का किस पे कम्युनिकेशन सिस्टम में डेफिनेशन यूज किया जा रहा है, डेफिनेशन या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक एलिमेंट्स यूज किया जा रहा है। ठीक है, किस पे, फॉर सेटअप ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, कितना तो था, 1 से लेके 11 तक था। ठीक है, तो ये सभी हम लोगों को रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहेगा, ताकि हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लेक्चर को डील करें। अब हम लोग का सेकेंड लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम जो सेटअप करने के लिए हम लोगों को क्या क्या यूज किया जाता है, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल एंड रिसीवर। अब हम लोग यहाँ पर इसका डेप्थ के बारे में जानेंगे। डेप्थ मतलब क्या हो गया, जो भी हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये चीज याद रखना, ये ब्लॉक डायग्राम होता है किसके लिए, फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको इन डेप्थ में जानेंगे क्या क्या होता है। अब ये देखो, जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, ये क्या है हम लोगों का बिजी, ये हम लोगों को क्या देगा, सर्टन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देगा, क्या देगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जैसे लेक्चर ले रहा है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा रहे हैं। जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन सिस्टम के, वहां पर कैसे होगा ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन सोर्स कौन हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का बिजी हो गया। अब मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, दैट मीन्स अब यहां पर देखो, मैसेज सिग्नल बोला गया है, तो यहां पर फर्स्ट हम लोग बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं, व्हाट इज मैसेज सिग्नल, द ओरिजिनल मैसेज कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर कम्युनिकेशन चैनल लिखो। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल, इसी को हम लोग इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है हम लोग का, मैसेज सिग्नल। दैट मीन्स यहां से हम लोगों को फर्स्ट डेफिनेशन इंफॉर्मेशन सोर्स क्लियर हो गया, ये हम लोगों का कौन है, बीजी, क्या दे रहा है हम लोगों को, कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया, इंफॉर्मेशन सोर्स। लेकिन ये मैसेज सिग्नल कैसे हुआ, जो भी ओरिजिनल मैसेज है, जो ओरिजिनल मैसेज क्या है हम लोगों का, कम्युनिकेशन सिस्टम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो क्या हो गया हम लोगों का, कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म, यहाँ पर हम लोगों का एक फॉर्म में कन्वर्टेड हो गया, सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड, सो दैट कैसे ट्रांसमिट हो गया, ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। जैसे मैंने यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम जब पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया, माइक्रोफोन ले लिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है हम लोग का, जो ओरिजिनल में वहां से बोला, वो क्या कर दिया, माइक्रोफोन का जो सुनाई, मतलब वो जो लेने वाला कैपेबिलिटी होता है, ठीक है, दैट मीन्स ट्रांसमिटेड का, वो किसके थ्रू, जो भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैसेज सिग्नल। तो यहां से हम लोगों का ये पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से हम लोगों को क्या क्लियर हो गया, जो भी हम लोगों का मैसेज के बारे में क्लियर हो गया, व्हाट इज मैसेज सिग्नल। अब हम लोगों का आता है ट्रांसमीटर, तो इससे पहले हम लोगों को देखना है ट्रांसमीटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर, फर्स्ट पार्ट हम लोगों का इंफॉर्मेशन सोर्स बिजी है, मैसेज सिग्नल मतलब ओरिजिनल सिग्नल कन्वर्ट हो गया, ताकि सुइटेबल फॉर्म में ट्रांसमिट हो सके। अब हम लोगों को जानना है, क्या जानना है हम लोगों को, यहाँ पर ट्रांसमीटर। अब
ट्रांसमीटर क्या होता है ये हम लोगों को वन टू वन करके फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है, ठीक है। सो ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर ये हम लोगों का इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, इस पे क्या क्या रहता है, जो भी हम लोग ने बेसिक पढ़ा है, बेसिक क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था, वही चीज ये ट्रांसमीटर में रहेगा। क्या क्या रहेगा ये देखते हैं, ठीक है। इस पे नंबर वन में जो हम लोगों का रहेगा ट्रांसड्यूसर रहेगा, ट्रांसड्यूसर। और हम लोगों को पता है इसका फंक्शन क्या होता है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। नंबर सेकंड में जो रहेगा वो हम लोगों का रहेगा मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों का क्या रहेगा, जो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर कैसे बना ये हम लोगों को बता रहा हूं। फर्स्ट में रहेगा ट्रांसड्यूसर प्लस मॉड्यूलेटर प्लस नंबर थर्ड में एक और चीज रहेगा, क्या रहेगा हम लोगों का, एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर भी रहेगा। और नंबर फोर में हम लोगों का क्या रहेगा वो देखना है, ठीक है, क्या रहेगा हम लोगों का, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना। सो ये पार्ट से ये जो हम लोगों का ट्रांसमीटर है ये सिंपली तुम लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ इसका बेसिक डेफिनेशन दिया था, बेसिक डेफिनेशन दिया था, राइट। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर इसका डेप्थ में जानेंगे, ठीक है कि नहीं। डेप्थ में ट्रांसमीटर मतलब हम लोग ने एक चीज बोला था, क्या किया था हम लोग ने, जो भी कन्वर्ट किया था नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू, किस में किया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था, ताकि मिक्स करके हम लोगों का क्या करे यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाए ओवर द चैनल। उसी के लिए हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब हम लोगों का बेसिक ट्रांसड्यूसर होता है, मॉड्यूलेटर होता है, एम्पलीफायर होता है, एंड क्या बोला गया है, ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को अब इसके बारे में देखना है कि ये क्या क्या है, ठीक है। मैंने फर्स्ट में बोला ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर मतलब हम लोगों को सिंपल से देखा जाए, एक यहाँ पर मैंने माइक्रोफोन, ठीक है, पहले ये बीजी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पर मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल, ताकि सुइटेबल रहे किसके लिए, ट्रांसमीटर के लिए। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये क्या है हम लोगों का, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन किसकी तरह यूज करा किया जाएगा, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अभी इसको मैं और डेप में एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर ट्रांसड्यूसर हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है हम लोगों को, यहाँ पर होता है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, ठीक है। फिर उसके बाद ये मॉड्यूलेटर के बाद यहाँ पर फिर दूसरा और एक पार्ट रहेगा, दैट इज एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। ये हम लोग ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, ये ब्लॉक डायग्राम जो बन रहा है वो ट्रांसमीटर के लिए बन रहा है, ठीक है। जो भी ट्रांसमीटर में रहेगा ब्लॉक डायग्राम वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर के बाद अब हम लोगों का ये जाता है किस पे, ये हम लोगों का जाएगा ट्रांसमिटिंग एंटीना में, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके लिए अब समझने में इजी हुआ, इंफॉर्मेशन सोर्स, मैंने क्या पढ़ाया, कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, जो भी मेरा ओरिजिनल है वो हम लोगों का क्या कर रहा है, जो माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वो माइक्रोफोन क्या करेगा हम लोगों का, ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल ये कैसा फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में है, ये फिर हम लोगों का ये माइक्रोफोन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, टू अदर फॉर्म में, और अदर फॉर्म क्या हो गया, हम लोगों का नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्यों, क्योंकि माइक्रोफोन क्या डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो यहाँ पर हम लोगों का ये पार्ट हो गया ट्रांसड्यूसर। फिर उसके बाद मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेटर मतलब तो मैंने बताया है, जो मेरा लो फ्रिक्वेंसी वॉइस है उसको मॉड्यूलेट करेगा, ताकि जो हम लोगों का प्रोपागेशन है वो इजिली हो जाए, तो ये हम लोगों का क्या करेगा, मॉड्यूलेट कर दिया। फिर उसके बाद एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई मतलब अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू जो यूजर का इजीली क्या कर सके ट्रांसमिट किया जा सकते, इसलिए हम लोग क्या यूज करते एम्पलीफायर। अब मॉड्यूलेट भी हो गया, कैरी हो गया, जैसे मैंने क्या बोला था यहाँ पर सिंपल केस में बीजी, ठीक है, यहाँ से डिगबोई से सपोज सिक्किम जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो पैदल जाने में उसको काफी टाइम लगेगा, इसीलिए इसने क्या किया हेल्प लिया, किसका, एरोप्लेन का लिया था, एरोप्लेन का लिया था, तो एरोप्लेन का लिया था तो कितने आवर्स में पहुंच गया था, 1 hour 30 minutes में इजिली पहुंच गया था, पहुंचा था, तो उसको क्या हो गया वहां पर इजिली पहुंच गया, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिला था मॉड्यूलेटर मिला था, एक मींस ऑफ मोड मिला था। अब वहां पर वो एम्पलीफाई करेगा, क्यों, क्योंकि एम्पलीफायर क्यों जरूरत है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ताकि इतना डिस्टेंस भी 1.1 hour 30 minutes जो लगेगा उसके लिए भी तो उसको एनर्जी चाहिए, वो किसके थ्रू रहेगा, वो एम्पलीफायर के थ्रू मिलेगा। दैट मींस एम्पलीफायर क्या कर देगा, एक टाइप का सोर्स रहेगा एनर्जी के लिए, जैसे बीजी को अभी हम लोगों का एनर्जी का जरूरत है तो ये एरोप्लेन में गया तभी भी तो उसको चाहिए कुछ, तो उसको एनर्जी मिल रहा है, तब एनर्जी मिलेगा तो वो सिक्किम पहुंचने में उसको इजी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर पार्ट क्या हो गया एम्पलीफायर का यूज हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से चला गया, ये सिक्किम पहुंच गया, कैसे पहुंचा, ये हम लोगों का एक जो एंटीना रहेगा, एंटीना मतलब क्या होता है हम लोगों को ये तो सिंपली पता है, ठीक है, एंटीना क्या करेगा हम लोगों को हेल्प करेगा ताकि इजीली क्या कर सके ट्रांसमिट किया जा सके, और इसके लिए हम लोगों का यहाँ पर जो मोइन सब मीडियम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है यूट्यूब चैनल के थ्रू। दैट मीन्स एक टाइप से देखा जाए तो ट्रांसमिटिंग एंटीना हम लोग किसके थ्रू यूज कर रहे, ये यूट्यूब चैनल में जो दे दिया। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांसमीटर का हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया कि क्या क्या रहेगा वहां पर, रहेगा क्या, रहेगा ट्रांसड्यूसर रहेगा, फिर उसके बाद मॉड्यूलेटर रहेगा, फिर एम्पलीफायर रहेगा, और क्या रहेगा हम लोग का ट्रांसमिटिंग एंटीना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम लोगों का क्या हो जाएगा पूरा कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रांसमिटेड सिग्नल में, जैसे मैंने यूट्यूब में डाल दिया, अब यूट्यूब वाला क्या करेगा ये पूरा अच्छे से कंटेंट वहां पर अपलोड करेगा, अपलोड कर लिया, अब अपलोड करने के बाद ये चैनल में देगा, उसका चैनल कौन सा चैनल है यूट्यूब चैनल में दे दिया। अब वहां पर हम लोग पहले ही नॉइस का फिल्टर वगैरह सब करके अपलोड करते करते हैं कि नहीं, नॉइस को क्या करते हैं हम लोग मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। वो कैसे किया हम लोग ने, वहां पर वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर यूज करके किया। अब उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, रिसीव करोगे सिग्नल, रिसीव करने के लिए जो वन फॉर्म ऑफ हम लोग का नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया था, वो यहाँ पर जो हम लोगों का रिसीव्ड सिग्नल में रहेगा, जैसे तुम लोग क्या करोगे वहां पर लाउड स्पीकर लोगे, राइट, वहां पर यूट्यूब चैनल में खोलोगे और उसके बाद वहां पर तुम लोग क्या करोगे स्पीकर में डालोगे, तब जाके तुम सुनाई देगा, या फिर तुम लोग क्या करोगे हेडफोन यूज कर सकते हो, राइट। अब हेडफोन में भी वहां भी तुम लोगों का एक स्पीकर रहेगा, वो स्पीकर क्या कन्वर्ट करेगा हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सिग्नल से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, तब जाके तुम लोगों को यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तब जाके तुम लोगों को क्या करेगा सुनाई देगा, देगा। सो वही पार्ट यहाँ पर भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। द इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड्स द मैसेज सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड, जो यहाँ पर मैंने बीजी ने क्या दिया मैसेज दिया, ठीक है, क्या पढ़ाया कम्युनिकेशन सिस्टम, वो हम लोगों का ट्रांसमिटेड हो गया। यूजली द मैसेज सिग्नल हम लोगों का यहाँ पर भी बोला गया नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रहेगा, लाइक वॉइस सिग्नल, जैसे मैंने बोला। अब ट्रांसड्यूसर क्या करेगा हम लोग का, मैंने ये चीज याद रख लेना, जो ट्रांसड्यूसर होता है वो दो टाइप का रहेगा, एक रहेगा इनपुट ट्रांसड्यूसर, ये हम लोगों का जो माइक्रोफोन है दिस इज एक्टिंग एज इनपुट, इनपुट ट्रांसड्यूसर, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है आउटपुट, ये हम लोगों का याद रखना, दिस इज अवर इनपुट ट्रांसड्यूसर, नंबर बी में आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर है लाउडस्पीकर, लाउडस्पीकर हम लोगों का किसकी तरह एक्ट करेगा, हम लोगों का ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर की तरह एक्ट करेगा। सो अब उसके बाद क्या होगा, दिस मैसेज सिग्नल आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, जैसे मैंने बोला
हम लोगों का क्या करेगा, एरोप्लेन ले लिया, दैट मीन्स जो मैंने मैसेज सिग्नल दिया वो क्या करेगा, हम लोगों का मॉड्यूलेट करने के लिए जरूरी हो जाएगा, मॉड्यूलेशन कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर पार्ट होता है, क्या होता है, वो हम लोगों का ट्रांसमिटिंग एंटीना से चला जाएगा, फिर यहाँ तक हम लोगों का क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोगों का क्या बोला गया है, द कम्युनिकेशन चैनल कैरीज द मॉड्यूलेटेड वेव ओवर द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सिंपल से देखा जाए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने क्या किया, फोन लगाया, ये हम लोगों का फोन, ठीक है, फोन लगाया, दिस इज अवर फोन। हाँ, मैंने कहाँ पर फोन लगाया, मैंने घर पे फोन लगाया, मेरा मम्मी है, ठीक है, मम। अब मैंने जब फोन लगाया तो यहाँ पर नंबर डायल किया 977 जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इसका भी बहुत प्रोसेस होता है, कभी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले कंटेंट जान लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने फोन लगाया, यहाँ पर सीधा करके फोन लगा, इसका भी सीधा करके नहीं होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, MS टू BTS, BTS टू BSC, ये सब, लेकिन ये हम लोगों को नहीं चाहिए फिलहाल। अब फोन लग गया, फोन लगने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अब मैं बात करूंगा, बात करूंगा मतलब मैं तो यूजर हो गया। अब यहाँ पर ये जो ये यूजर, ये मैसेज दिया। अब मैसेज देने के बाद यहाँ पर भी हम लोगों का जो फोन है, जो फोन है उस पर क्या रहेगा, हम लोग का इनपुट ट्रांसड्यूसर रहेगा, फोन में क्या रहेगा, इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब जैसे मैंने फोन किया वो क्या करेगा, हम लोगों का ट्रांसड्यूसर का तो मैंने पूरा जो भी ब्लॉक में क्या क्या आता है वो पूरा डेप्थली डिस्कस कर चुका हूं। अब वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ्यूज होने के बाद, फिर उसके बाद ये हम लोगों का प्रोपागेशन हो गया। प्रोपागेशन होने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिर चैनल, चैनल क्या हो जाएगा, एयर मीडियम ही सोच रहे फिलहाल, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन इसका भी बहुत प्रोसेस होता है। अब ये जाने के बाद, ठीक है, जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर मेरा मम्मी मोबाइल लिया हुआ है, क्योंकि वही नंबर पे फोन किया। अब ये जो है, ये हम लोगों का मम्मी है, वो रिसीवर हो गया, ठीक है, सुनेगा। सुनने के लिए उनको क्या चाहिए, यहाँ पर ऑब्वियसली दूसरा ट्रांसड्यूसर चाहिए, क्यों, क्योंकि जो मैंने बोला एनालॉग सिग्नल जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हम लोगों का कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्यों, किसकी वजह से, ट्रांसड्यूसर की वजह से जो माइक्रोफोन में यूज किया। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा जो एंटीना, देखो हम लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा, फोन में एक एंटीना रहता है, उसको बोला जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना ऐसे करके हम लोगों का ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पर तुम लोग पास पास में देखा होगा ऐसे करके टावर लगा रहता है, उसको बोला जाता है BTS, बेस ट्रांसीवर सिस्टम। तुम लोग सिंपल सोचो, ये एंटीना ही है, सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब मेरा एंटीना इसके एंटीना के साथ पहले जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये मैच करेगा जो हम लोगों का, एक्चुअल में इसका बहुत प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिंपली जानना है। तो ये क्या करेगा, ये जो पास का एंटीना है मम्मी वाला, उसका पास जाएगा, फिर उसके बाद उसका नंबर में फोन कर दिया, फिर मम्मी फोन रिसीव किया। अब रिसीव तो कर लिया, लेकिन मेरा सिग्नल कैसा है, इलेक्ट्रिकल है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आएगा, क्यों, क्यों, यदि नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ना हो तो मम्मी को तो करंट लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है। अब ये कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद मम्मी को क्या हो जाएगा, मेरा मैसेज इजिली सुनाई देगा, वही चीज यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये जैसे टेलीफोन किया तो यहाँ पर मैंने वही पार्ट बोला, ट्रांसमिट करेगा, फिर उसके बाद मम्मी ने क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। और जो मोड होता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जो ये एयर है वो कैसा मीडियम है हम लोग का, वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे हम लोगों का प्रोपागेट हो गया, हम लोग देखेंगे कभी कभी डिस्टोर्शन भी होता है, और वो डिस्टोर्शन किसकी वजह से रहता है, वो डिस्टोर्शन रहता है नॉइस की वजह से। हम लोगों का जो रिसीवर है, मम्मी जो है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव करने के बाद जो उनको जिस हिसाब से वॉल्यूम चाहिए उस हिसाब से वो क्या करेंगे, सेटअप करके हम लोगों का इजीली सुनाई देगा, और वो हम लोगों को क्या हो जाएगा, फिर से एक ऑडियो में ही उनको सुनाई देगा। तो यहाँ से हम लोगों का पूरा क्लियर हो गया कि जो भी हम लोगों का ब्लॉक डायग्राम है किसके लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ
कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, ये याद रख लेना ब्लॉक डायग्राम। सो कुछ पोर्शन से तुम लोग ये वाला पार्ट हम लोगों को क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। कुछ पोर्शन है जो कि मैं एक्स्ट्रा से बताया हूँ, तो उसको तुम लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। लेकिन फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर पता है, मॉड्यूलेटर भी पता है, एम्पलीफायर भी पता है, और ये क्या है हम लोग का ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 पे। इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा डेप में हम लोगों का क्या बताया, हम लोगों का जो ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का, यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट कर दिया। अच्छा चलो, अब यहाँ सब हम लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूलेशन। जो मैंने बोला है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर ये क्या करेगा हम लोग का, मॉड्यूलेशन ये हम लोग का एक ही फैक्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्यों मॉड्यूलेशन जनरेट, अरे हम लोगों को मॉड्यूलेशन नहीं होने से बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, नहीं तो मैं यहाँ से सिक्किम पहुंचते पैदल जाऊंगा तो कितना दिन लगेगा मुझे, अप्रोक्सीमेटली अराउंड सपोज 1000 किलोमीटर है सपोज, हाँ तो वहां से मैं जाते जाते तो मैं ऑलमोस्ट मुझे एक महीना लग गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो मैं तो थक भी जाऊंगा, ऊपर से इतना कैपेबिलिटी नहीं रहेगा कि मैं वहां तक सिक्किम चल पाऊंगा क्या, नहीं। तो इसीलिए हम लोगों का क्या होगा, मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोगों का फर्स्ट जो है वो साइज ऑफ द एंटीना, वी कैन नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब मॉड्यूलेशन के लिए क्या क्या नेसेसिटी है वो भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। अब फर्स्ट में है साइज ऑफ द एंटीना, फॉर ट्रांसमिशिंग एंड रिसीविंग ईच एंटीना शुड हैव अ साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, एटलीस्ट जो हम लोगों का जो लेंथ ऑफ द एंटीना जो होना चाहिए वो कितना होता है, लैम्डा बाय 4 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम लोगों का लेंथ ऑफ द एंटीना इतना होगा, सपोज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्या बोला गया है, फॉर एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग पहले लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द एंटीना भी देखेंगे। ये किसके लिए देख रहे हैं, ये मोबाइल के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, लैम्डा इक्वल टू हम लोगों को पता है सी डिवाइडेड बाय एफ, ये हम लोगों को तो बेसिक बहुत फॉर्मूला पता है, और सी मतलब कितना होता है 3 × 10⁻⁸, एफ फ्रीक्वेंसी कितना है हम लोगों का, सपोज हम लोग ने एक एज्यूम किया जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो 15 किलोहर्ट्ज़ है, दैट मींस 15 × 10⁻³, दैट मींस ये देखो 2000 मीटर मतलब 2 किलोमीटर, अब इतना लंबा, ठीक है, 2 किलोमीटर बोला है, ठीक है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर 2 किलोमीटर या फिर 2000 मीटर, ये क्या रहा है हम लोगों का, वे आ रहा है वेवलेंथ, दैट मींस लेंथ ऑफ द एंटीना कितना हो जाएगा हम लोगों का, लैम्डा बाय 4 500 मीटर्स, 500, ठीक है, 500 मीटर्स मतलब समझ रहे हो कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, तो ये सॉरी वन स्टेट, ये हम लोगों का आ जाएगा 20 किलोमीटर, और हम लोगों का लेंथ ऑफ द एंटीना कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो इतना ज्यादा पॉसिबल है क्या लेंथ ऑफ द एंटीना, सोचो नहीं है। इसीलिए नंबर 1 पॉइंट, साइज ऑफ द एंटीना इज ऑल्सो कंसिडर्ड, दैट मीन्स यहाँ पर अब हम लोगों को देखना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है उसको रेज कर देते हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट अप द एंटीना हाइट, कितना 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोगों को एंटीना का, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन किया जाता है। सो ये पार्ट देखो, अब हम लोगों को ये पार्ट तो हो गया, अब जो लेंथ ऑफ द एंटीना, इसीलिए हम लोग ने क्या किया, तो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी है, जैसे मेरा लो फ्रीक्वेंसी था उसको मैंने ऐड किया, किससे ऐड किया हम लोग ने, हाई फ्रीक्वेंसी से। अब जैसे 5+ हम लोगों का यहाँ पर देखे, हम लोगों का कितना था, ये हम लोगों का 15 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15 किलोहर्ट्ज़, और हम लोग ने ऐड कर लिया सपोज एकदम ज्यादा, सपोज 1 मेगाहर्ट्ज़ ऐड कर लिया, दैट मींस जो हम लोगों का लेंथ ऑफ द जो एंटीना रहेगा, ठीक है,
वो सॉरी फ्रीक्वेंसी रहेगा, वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई हो गया मतलब सपोज यहाँ पर रेस कितना किया गया 1 मेगाहर्ट्ज़ तक। अब देखो जो हम लोगों का लेंथ ऑफ द एंटीना कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एफ, ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी हम लोग ने क्या कर दिया, मॉड्यूलेशन करके हाई कर दिया, कैसे, जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी वॉइस है उसको मैंने ऐड कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी से, ऐड कर दिया, कितना तक ऐड बना दिया, सपोज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़ तक। अब जब हम लोगों का ये हो गया तब हम लोगों का जो लेंथ ऑफ जो लैम्डा है वो कितना आ रहा है हम लोग का 300 मीटर। सो लेंथ ऑफ द एंटीना कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 4, दैट मींस 75 मीटर्स। ये तो बहुत छोटा हो गया। सो हम लोगों को इसीलिए भी क्या है, मॉड्यूलेशन इज नेसेसिटी। फिर नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग का, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। अब यहाँ पर देख लो एफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना मतलब जो एंटीना है वो कितना पावर रेडिएट करना चाहिए। अब ये वाला डेरिवेशन तुम लोगों को जरूरत नहीं है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, ये चीज याद रख रहे। एल मतलब क्या होता है हम लोगों का लेंथ होता है, ठीक है, और लेंथ का किसका, एंटीना का, दैट मींस यहां पर पी जो पी मतलब क्या होता है हम लोग का पावर किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एल डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मींस जितना ज्यादा लेंथ रहेगा पावर, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा लेंथ का स्क्वायर, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना पावर ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग लेंथ को क्या करेंगे, हम लोग लेंथ को ही कम कर दिया, लेंथ ऑफ द एंटीना, तो पावर भी क्या हो जाएगा हम लोगों को कम लगेगा कि नहीं, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इफ ये लो लगा और उसका भी स्क्वायर कर लिया तो ये पावर क्या हो जाएगा हम लोगों को, एकदम कम हो जाएगा। तो ये हम लोगों को इसलिए भी जरूरी है। अब यहाँ पर ये हम लोगों का थ्योरेटिकली है, ठीक है, दैट मींस एस हाई पावर्स आर नीडेड फॉर गुड ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली हाई पावर लगेगा सो वेवलेंथ क्या होना चाहिए हम लोगों को, एकदम कम से कम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, एकदम ज्यादा होना चाहिए। ये हम लोगों का पार्ट क्लियर हो चुका है। नंबर थर्ड में आ गया मिक्सिंग अप ऑफ द डिफरेंट क्या है ट्रांसमीटर, दैट मींस व्हेन मेनी ट्रांसमीटर आर ट्रांसमिटिंग बेस बैंड इंफॉर्मेशन, बेस बैंड मतलब हम लोग का मैसेज का होता है, साइमल्टेनियसली देन दे गेट मिक्स अप, देयर इज नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल्स मतलब सपोज मैं कुछ पढ़ा रहा हूं यहां पर, दूसरा सपोज मैं फिजिक्स पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर एक और सर है सपोज गोविंद सर ने यहाँ पर कॉमर्स भी पढ़ाया, तब देखो मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल, यहाँ पर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, क्या हो गया हम लोग का, मिक्स हुआ कि नहीं। अब सपोज यहाँ पर साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स को देखने लग गया तो वो सोचेगा क्या पढ़ रहे हैं, वैसे सिमिलरली हम लोगों का कॉमर्स का स्टूडेंट फिजिक्स देख रहा है तो वो सोचेगा ये क्या पढ़ रहे है। इसीलिए भी हम लोगों का क्या है, मॉड्यूलेशन इज नेसेसिटी सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल। इसीलिए हम लोगों को क्या करते हैं, जब भी क्लास अलॉट किया जाता है तो उसके लिए साइंस का क्लास क्या होता है, अलग से होता है कि नहीं, होता है, ऑब्वियसली होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो गया मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर साइंस में आ जाएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, और सपोज साइंस वाले स्टूडेंट कॉमर्स में जाएंगे तो कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आ गया। तो यहाँ तक पूरा एकदम क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूलेशन।